पूछना चाहूंगा कि 2018 की स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि करीब 367 प्रोजेक्ट्स में से 94 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अपनी समय अवधि से ज़्यादा, जिसमें उनको कंप्लीट होना था, उसको पार कर चुके हैं, और वो करीब 20-25 साल से ज़्यादा उसमें डिले हो रखा है इन प्रोजेक्ट्स में। मैं और जो उसके कॉस्ट हैं उसमें 131% की वृद्धि भी है। मेरे क्षेत्र में भी एक लाइन डबल हो रही है जो फैजाबाद से सीधे जो है अकबरपुर को जोड़ते हुए और आगे बढ़ती है, उसमें भी प्रोजेक्ट्स में डिले हो रखे हैं। तो ये जो कॉस्ट एस्केलेशन हो रहा है और ये जो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, इसको जो है कम करने के लिए मिनिस्ट्री ने क्या क्या कदम उठाए हैं? और एक और सवाल, और इसी के साथ साथ इसको कम करके ताकि कॉस्ट भी कम हो जाए। और मेरे ही क्षेत्र में कटहरी विधानसभा के अंदर एक रेलवे क्रॉसिंग है जिसको बंद किया जा रहा है इसी लाइन को डबल करने के लिए, जिसकी वजह से करीब 50,000 लोग जो है उनका आवागमन बाधित हो गया है। माननीय मंत्री जी, मैंने आपको ही एक चिट्ठी दी थी जिसमें मैंने निवेदन किया था कि इस क्रॉसिंग को खोला जाए और वहां पे ये जो 50,000 लोगों के गांव का आवागमन है इसको रोका ना जाए। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, इसको भी बताने का काम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है इस बात को सदन को बताते हुए आपके माध्यम से कि पिछली सरकारों ने 2014 के पहले अनाप शनाप घोषणाएं की, योजनाओं के बारे में लोगों को भ्रमित किया और बिना कोई आवंटन के, बिना पैसे की उपलब्धता के, बिना निवेश होने के, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अनाउंसमेंट किए, प्रोजेक्ट के नाम घोषित किए, लेकिन कभी पैसे नहीं दिए। मुझे आप सबको अवगत कराते हुए बड़ी खुशी है माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि जो निवेश 2014 के पहले औसतम साधारणता 40-45 हज़ार करोड़ सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर या सेफ्टी के कामों में होता था, वो इस वर्ष के बजट में जो 1 फरवरी को निर्मला जी ने पेश किया उसमें 5 गुना बढ़ा के 2,15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, 5 गुना बढ़ाया गया। और ये इसलिए करना पड़ा कि पहले जो इतनी घोषणाएं हुई उसके लिए कभी निवेश पूरा किया नहीं गया था। अब हमारी सरकार एक एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है, लेकिन कई जगह पे हमें सहयोग नहीं मिलता। मैंने अभी महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, ऐसे ही पश्चिम बंगाल में एक रेलवे लाइन 1974 से चल रही है, 1974, आज से 47 साल पहले वो लाइन का काम शुरू हुआ, राज्य सरकार जमीन ही नहीं दे रही है, तो कैसे रेलवे क्या कहाँ लगेगी? रेलवे तो जमीन पे ही लग सकती है। तो मैं समझता हूँ अब समय आ गया है सभी राज्य सरकारें सपोर्ट करें, हमें जमीन दे तो हम जल्द से जल्द प्रोजेक्ट खत्म कर सकें। आपकी स्पेसिफिक लाइन का मैं लिखित में जवाब दूंगा यहाँ पर नहीं। माननीय